ये अब आपको मैं दरबार का, यहाँ का जो सजा हुआ दरबार है वो दिखाना चाहता हूँ। जैसे जागरण में सजाया जाता है, जागरण में एक दरबार सर्व सजाया जाता है, यहाँ पे कितने दरबार लगाए गए और दरबार इतने सुंदर लग रहे हैं, आप देख कर आके मानना बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये महादेव का दरबार, जो शंकर भगवान का दरबार लगा हुआ है, देखो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा पूरा दरबार। शंकर भगवान का लगा हुआ, गणेश भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आगे का दरबार जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो अभी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एक दरबार और सज रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा दरबार लगा हुआ है। ये देखो कृष्ण भगवान की भी है, वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है और जरूर भगवान की भी लगी हुई है, ब्रह्मा भगवान भी है, हनुमान जी भी हैं, वहाँ पर महादेव भी हैं और बहुत अच्छे दरबार लग रहा है। अभी और भी देखो, मैं अभी दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छी सजावट की गई है, बहुत अच्छे दरबार लगाए गए हैं। अभी मैं आपको और आगे दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, एक दरबार यहाँ पर सजा हुआ है जो कि कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी कारागार और नंदगांव, एक दरबार आगे और सजा हुआ है, मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ। ये देखिए, बस्तर लीला चोरी जो दरबार बना हुआ है, बस्तर लीला चोरी का दरबार बना हुआ है, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा हुआ है। आगे एक और दरबार सजा हुआ है, मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पर लिखा हुआ सुदामा सत्कार, सत्कार मतलब सत्कार लिखा हुआ है, सुदामा सत्कार, सॉरी। ये एक और दरबार सजा हुआ, आगे और दरबार दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए, ओखल बंधन जो कृष्ण भगवान को बांधा गया था उसमें वो दिखाया गया है, ठीक है। और आगे एक और दरबार सजा हुआ, ये देखिए, ये यहाँ गाना बज गया। जैसा आप ब्लॉग चैनल पर मेरे देख रहे हो, आपको मैंने अभी बागेश्वर धाम की वीडियो दिखाई और यहाँ का जो नज़ारा था दरबार का जो सजा हुआ था, हमें यहाँ का और कुछ दिखाना चाहता हूँ जो आपको अच्छा लगेगा और बहुत पसंद आएगा। खाना जो लग रहा है चाइनीज वगैरह का, वो दरबार लग रहा, देखो वो भी। मैं यहाँ का रेट दिखा देता हूँ।